नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो एनटीपीसी का रिजल्ट अभी अनाउंस किया गया था 4 और 6 लेवल का, तो उसमें साइको में बहुत सारे छात्रों की ये डाउट है। बहुत सारे छात्र जो है पूछना चाहते हैं कि सर कितना नंबर हमारा कट ऑफ से ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम साइको के लिए तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि सर साइको के बाद जो कट ऑफ है कितना बढ़ेगी, क्या हमें साइको के लिए तैयार करनी चाहिए। मेरा कट ऑफ है जो मेरा जो मार्क्स है कट ऑफ से 1-2 नंबर ही ऊपर है, और आपका साइको टेस्ट है वो कब आपका पॉसिबल हो सकता है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस पूरा यहाँ पर करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है ईयरली सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म पर चल रहा है विन विन वीकेंड ऑफर, जहाँ पर दोस्तों आपको कल यानी कि 12 जून की डेट से पहले अगर आप टेस्ट बुक का परचेज पास जो है उसको परचेज करते हैं तो आपको दोस्तों 1 साल की जगह 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा अमेजन जो पे है उसके थ्रू अगर पेमेंट करते हो तो आपको 500 रुपये का अलग से दोस्तों यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप जो है जो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, और आर के पी जो कोड है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोस्तों 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एनटीपीसी का जो रिजल्ट है यहाँ पर देख लिया होगा, और यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होगी कि भाई जो लेवल 4 और 6 है उसके अंदर साइको टेस्ट होने वाला है। अब देखिए साइको टेस्ट में बेसिकली होगा क्या, 8 गुना कैंडिडेट है उनको यहाँ पर बुलाया गया है, और 8 गुना कैंडिडेट जो है आपके जो साइको टेस्ट है उसके अंदर आपके एंट्री लेंगे। अब देखिए जब आपका साइको टेस्ट होगा ना, तो साइको टेस्ट होने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी यहाँ पर बढ़ सकती है, कितनी घट सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर साइको टेस्ट के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर जो है आपके 8 गुना कैंडिडेट को लिया गया है। अब देखिए 8 गुना कैंडिडेट है, उनमें से आपके बहुत सारे कैंडिडेट आपके जाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि भाई हम तो कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक ही हैं तो हमारा तो सिलेक्शन होना है नहीं। बहुत सारे छात्रों की मेडिकल में बहुत ज़्यादा इश्यू है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी छात्रों को, इसलिए बहुत सारे छात्र हैं क्योंकि मेडिकल कैटेगरी है ना। देखिए मैं आपको दिखाऊँ मेडिकल कैटेगरी जो है, तो A2 मेडिकल कैटेगरी आपको मिलेगी, और यहाँ पर देखिए अगर हम बातें हैं ये आपका साइको टेस्ट रहा तो A2 मेडिकल जो कैटेगरी है वो आपके जो पॉइंट्स आपके जो स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है वो आपके ट्रैफिक असिस्टेंट दोनों के लिए है। तो वहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड हर किसी का नहीं होता है, मान के चलिए जितने भी स्टूडेंट हैं ना उनमें से 70% का होता है लेकिन हर किसी का नहीं होता। तो ऐसे में देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो भी छात्र हैं भले ही उनके जो कट ऑफ मार्क्स के पास है ना वो भी तैयार कीजिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ तो 5 से 7 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। 5 से 7 नंबर जो है आपको कट ऑफ में यहाँ पर बाद में मिलेंगे, बढ़े हुए मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि देखिए 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा, और ऐसे में जो है स्टेशन मास्टर की पोस्ट इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें क्या होगा, 70% जो आपका मार्क्स है वो आपका आएगा जो आपका CBT2 है उसका, और 30% जो आपका स्कोर आएगा वो आपका आएगा साइको टेस्ट का, यानी कि इनका रेशियो यहाँ पर बनाया जाएगा और उसके हिसाब से जो आपके मार्क्स हैं यहाँ पर जो कट ऑफ है लास्ट में यहाँ पर बनेगी, यानी कि आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना वो 100 नंबर में से होगा, उसमें से 70% आपके जो CBT होगा उसका है, और आपका 30% है वो आपके जो CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जिसको हम साइको टेस्ट बोलते हैं उसके लिए होगा। तो मैं तो ये मानूंगा कि भाई जिस छात्र के अगर कट ऑफ से 5 नंबर भी ज़्यादा है ना वो तो बहुत 5 नंबर है वो तो बिंदास यहाँ पर तैयारी शुरू कर दीजिए। देखो 5 नंबर जिनके भी ऊपर है ना वो दोस्तों बिंदास तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिन्हें कम है वो भी दोस्तों तैयारी कीजिए। देखिए कट ऑफ और ये चीज़ें हैं वो देखो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। देखो ये सब है एक आपको पता है साइंटिफिक कैलकुलेशन है, अगर साइको में ज़्यादा छात्र यहाँ पर फेल हो गए तो सीधी सी बात है फाइनल में कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगी। और वैसे ही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिन पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट है साइको टेस्ट है उनकी कट ऑफ कम ही जाती है बाकी जो अदर पोस्ट होती है उनकी तुलना में। तो यहाँ पर जिनके छात्रों के भी मान के चले कि 5 नंबर से ऊपर है कट ऑफ से वो तो बिंदास अपनी तैयारी कीजिए, और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो तो और ही बिंदास तैयारी कीजिए, बाकी जो कट ऑफ के आसपास हैं वो भी तो उसको तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा। बाकी जिनका भाई 5 नंबर से ऊपर है वो बिंदास तैयारी कीजिए, 5 से 7 नंबर आपका बाद में बढ़ेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा है A2 है तो आपको तो फिर दोस्तों यहाँ पर कोई नहीं रोकने वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो हम और बात करेंगे कि आपका जो साइको टेस्ट है वो आपका कब पॉसिबल हो सकता है। देखिए अभी रेलवे ने जो है साइको टेस्ट के बारे में आपको बताया नहीं कि कब होगा,
लेकिन देखिए अभी जो है रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिया रेलवे ने, तो रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिया, तो देखिए अभी यहाँ पर देखो 8 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था, तो 8 तारीख को क्या है दोस्तों 7 तारीख का यानी कि 8 तारीख को आपका रिवाइज रिजल्ट आ गया था, तो 8 से खींच के मान के चले कि आपको भाई 1 महीने का टाइम आपको देगी रेलवे साइको टेस्ट के लिए। 1 महीना मेरे हिसाब से सफिशियंट होता है या 20 दिन सफिशियंट होता है, 20 दिन से 1 महीना साइको टेस्ट की तैयारी के लिए सफिशियंट होता है। रेलवे जो है इतना ही टाइम देता है, फिजिकल के लिए भी इतना ही देता है और मेरे हिसाब से इसके लिए भी इतना ही देगा आपको, 1 महीने का अप्रोक्स टाइम आपको देगा या 20 दिन से 1 महीने का। तो देखिए अभी आपका जो CBT2 है वो एग्जामिनेशन यहाँ पर चल रही है और ऐसे में ये जो एग्जामिनेशन है 17 को ख़त्म हो जाएगी गुवाहाटी बोर्ड को छोड़ के, तो 17 तारीख तक आपका गुवाहाटी बोर्ड है उसको छोड़कर सभी एग्जामिनेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, है ना, Level 2, 3, 5 के, और उसके बाद आपका जो है साइको टेस्ट की जो प्रोसेस है रेलवे यहाँ पर शुरू कर देगा। क्योंकि दोस्तों रेलवे जो है अब यहाँ पर जो आपका NTPC एग्ज़ाम है इसको सीरियसली ले रहा है, जल्दी जल्दी रिजल्ट यहाँ पर देखो, अभी देखो Level 2, 3, 5 का एग्ज़ाम हुआ नहीं, उससे पहले Level 4 और 6 का एग्ज़ाम यहाँ पर डाल दिया ताकि जो छात्र हैं यहाँ पर पहले से अपनी तैयारी है Level 4 और 6 के साइको। तो दोस्तों इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके जुलाई के अंदर आपका साइको टेस्ट है यहाँ पर ले लिया जाए, जुलाई के फर्स्ट ऑफ वीक से आपका जो है इसका अपडेट आपको मिल सकता है। क्योंकि देखिए अभी आपके पास जैसे कि अगर हम देखें तो 20 दिन अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएंगे, 20 से 22 दिन, तो मेरे हिसाब से 20 से 22 दिन बहुत होते हैं साइको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो आप ये मान के सकते हैं कि आपको या तो जून के एंड में आपको कोई अपडेट मिल सकता है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी देखिए जैसे आपकी 17 जून तक आपकी एग्जामिनेशन है, तो उसके बाद आपका गुवाहाटी बोर्ड का भी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो उसकी भी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आएंगी जैसे वहाँ की स्थिति सामान्य हो जाती है, और उसके बाद आपका साइको टेस्ट की जो डेट है रिलीज की जाएगी, जो बोर्ड है उसकी तो यहाँ पर हो जाएंगी। तो आप स्टे ट्यून कीजिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।